देखिए, इस वक्त 1200 से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट बलूचिस्तान के अंदर हैं। जहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारी डिमांड सिर्फ 600 पोस्टों की है, जो पिछले 5 सालों से और इस मौजूदा गवर्नमेंट के 10 महीने भी इसमें शामिल हैं। सरापा एहतजाज, आप मीडिया वाले इस बात के गवाह हैं, प्रेस क्लब वाले, कि हमने बारहा यहाँ पर सैकड़ों एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कैंप्स लगाए हैं, झूठे वादे तो किए जाते हैं हमसे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता जो वादे वो लोग करते हैं। आज भी हमारी मिनिस्टर हेल्थ साहब से मुलाकात हुई है, कल भी हुई थी, बस तिफलो तसलियों से काम ले रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन काम नहीं हो रहा। तो हम आपके चैनल के तवस्सुत से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कोई फसाद बर्पा ना करें, इससे पहले कि हम किसी नेगेटिव स्टेप की तरफ चले जाएं या कोई और मसाइल क्रिएट हों। आप काइंडली हमारे मसले को सुने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, जो बेसिक राइट होता है किसी भी एजुकेटेड किसी भी बंदे का, शहरी का, कि उसको रोज़गार चाहिए। स्पेशली जब फार्मासिस्ट रोज़गार मांगता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए भी बात करता है। हमारी डिमांड ये है कि इवनिंग और नाइट में बिल्कुल भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। ये सीनियर हमारे फार्मासिस्ट बैठे हैं, सलाउद्दीन साहब, इन्होंने बताया आपको, मॉर्निंग में भी जो है फार्मासिस्ट की कमी पाई जाती है हॉस्पिटल्स में, इवनिंग और नाइट में तो बिल्कुल है ही नहीं। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इवनिंग और नाइट में मेडिसिन की यूटिलाइजेशन किसके सुपरविजन में हो रही है, कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें? ज़ाहिर है कोई भी नहीं है, नॉन टेक्निकल स्टाफ कर रहा है। तो इसकी वजह से जितने भी हैज़र्ड्स हैं, जितने भी ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, मिसयूज़ हैं, उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। इस चीज़ को वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए फ़ौरन, और मिनिस्टर हेल्थ साहब को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए जो है कैंप आना चाहिए। हम इंशाल्लाह मंडे से तादम मर्ग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। ये आपके चैनल को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो आए हमारे पास, आपके नोटिस में भी हो। मंडे से इंशाल्लाह हम तादम मर्ग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। इन केस हमारे किसी भी साथी को कोई भी जानी नुकसान होता है, तो आप मीडिया वाले गवाह रहिएगा कि हमने बारह उनको डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से इन्फॉर्म किया है, डिमांड किया, वो नहीं सुनते। हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। थैंक यू जी। एहतजाज हमारे बेसिक जो मुतालिबा है वो रोज़गार है, जो कि हर शहरी का बुनियादी हक है, जो कि ये फार्मासिस्ट, यंग फार्मासिस्ट जो पिछले 18 दिन से इस कैंप में बैठे हुए हैं, अपने रोज़गार की हक मांग रहे हैं, और जिन्होंने 5 साल यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो अमली दुनिया में आए हैं, और जो कि हर शहरी का बुनियादिया के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर शहरी को जो है रोज़गार दे, और ये लोग जो है बैठे हुए हैं अपने रोज़गार मांग रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है रोज़गार के लिए है, चाहे वो न्यू क्रिएशन की सूरत में हो, कंट्रैक्ट बेस पर हो, या जो सीनियर फार्मासिस्ट या जो पहले से लगे हुए फार्मासिस्ट उनको प्रमोशन मिले ताकि इनके लिए रोज़गार की मौका मिले। और यकीनदानी कराने पे जो है अभी तक यकीनदानी तो कराई गई है, उसे एक दो नशस्त भी हुई है ज़िम्मेदार बंदों से, लेकिन गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा अभी तक इस कैंप में आने की ज़हमत नहीं की। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो जवाब, ये जो न्यू जनरेशन है यहाँ बैठे हुए हैं, हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है कि वो बराए करम मेहरबानी करके इनको अपने बच्चे समझ के वो आ जाए, इनकी जो है सुने। 1 पॉइंट एजेंडा, इनको रोज़गार चाहिए, जो कि वो बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी के आलम वो यहाँ आकर मजबूरन बैठे हुए हैं, अपने रोज़गार मांग रहे हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि वो किसी नुमाइंदे को भेजे और मुकम्मल यकीनदानी दे, ताकि हम यहीं से जो है अपना वो कैंप उठा सकें।